नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल मेरे YouTube चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसेल सिग्नल का स्किनर बनाया एंड मेरा वेबसाइट पे मैंने डिस्प्ले करता हूँ और उसी का थ्रू में मैं रेगुलर व्यू देता हूँ YouTube वीडियो के द्वारा, मेरा फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे और वेबसाइट पे, उसी को मैंने आप लोगों को फिर स्क्रीन करके दिखाता हूँ। मैंने एक प्राइस चैनल इंडिकेटर को इधर न्यू इंट्रोड्यूस किया है, तो इधर ये प्राइस चैनल, इसको अपर बैंड आप लोगों को दिखेगा, ये लोअर बैंड दिखेगा और ये प्राइस का मिड बैंड दिखेगा। जब प्राइस चैनल का अपर बैंड ब्रेक करेगा तो आप लोग इसको ट्रेड ले सकते हैं, लोअर बैंड ब्रेक करेगा तो इसको ट्रेड ले सकते हैं, और मिडिल बैंड जब ब्रेक करेगा तो वो भी आप लोगों को एक दिखाएगा। और ये कौन सा एलटीपी अपर बैंड और लोअर बैंड का क्लोज होगा वो भी आप लोग इधर से दिख पाएगा। तो मैंने इधर से स्क्रीनिंग करता हूँ, इधर से डाटा फिल्टर करके पहले मैंने वोलेटिलिटी को देख लेता है। इंट्राडे में वोलेटिलिटी ज़्यादा हो और डिलीवरी परसेंटेज कम हो तो इसका मूवमेंट अच्छा मिलता है, तो इसीलिए मैंने इसको करता हूँ। और इसके बाद प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा लेता है क्योंकि एकदम जो छोटा है उसका प्राय ज़्यादा मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता है। इसके बाद मैंने ट्रेंड देखता हूँ। मैंने सभी समय बोलता हूँ कि आप लोग ट्रेंड देखिए, और ट्रेंड और लेवल और इंडिकेटर वगैरह जस्ट आप लोगों को शो करने के लिए कि हाँ इंडिकेटर एक कंफर्मेशन देता है, लेकिन ये ट्रेंड और लेवल आप लोगों के लिए सबसे अच्छा है। और मैंने ये देखिए प्रोबेबिलिटी 6 था, मैंने 7 तक इंट्रोड्यूस किया, मतलब ये नंबर 3 मैंने न्यूली इंट्रोड्यूस किया हूँ। मैंने बाई साइड में देखता हूँ, तो इसको पहले आप लोग, मेरा सलाह है ये आप लोग पहले स्कीम कर लीजिए, उसके बाद वन को कीजिए। बाई साइड में देखता हूँ देखता है ये में क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर देख लिया और प्राइस चैनल तो मिड बैंड का ऊपर है लेकिन नज़दीक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है वो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए एक बुलिंजर बैंड के किडना चैलेंज अपर बैंड के ऊपर है, एमएससीडी पॉजिटिव है, टोकन स्टिक और आरएसआई को नहीं करता हूँ। इधर थोड़ा सा पिवट पॉइंट का नीचे दिखाता है इंट्राडे में, लेकिन फाइव पीरियड ये आप लोग 515 और 30 का क्रॉस ओवर पकड़ सकता है, 515 पीरियड और 30 पीरियड देखिए इसको पिवट पॉइंट आराम के ऊपर है, 200 पीरियड की ऊपर है, तो ये आप लोग इसको नोट कर सकता है, ये आप लोग नोट कर सकता है। मैंने चार्ट में दिखाने का कोशिश करता है, ऑप्शन चेन में देखिए इधर जो कैडिला हेल्थ है हम जे एस डब्ल्यू स्टील को देखते हैं, इधर जे एस डब्ल्यू स्टील का रेजिस्टेंस बना है 420।